इस साल 15 जनवरी से प्रयागराज में लगने वाला अर्धकुंभ का मेला कई मायनों में अहम है। भले ये मेला महाकुंभ से छोटा हो, मगर अभी से ही साधु संतों का आगमन का सिलसिला शुरू हो गया है और साथ ही मेले के आयोजन से पहले आए साधु संतों ने एक ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया है जो मोदी सरकार के लिए 2019 लोकसभा चुनाव में मुसीबत पैदा कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा ऐलान किया है जिससे मोदी सरकार की मुसीबत बढ़ सकती है। दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले कुंभ मेले का हिस्सा बनने आ रहे साधु संत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खासा नाराज नजर आ रहे हैं। साधु संतों ने ऐलान किया कि अगर 2019 में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ तो मोदी सरकार भी नहीं बनेगी। एक टीवी चैनल से बातचीत में संतों ने साफ कहा है कि मंदिर नहीं तो 2019 में मोदी भी नहीं। खबर तो ये भी है कि इस मेले के बीच विश्व हिंदू परिषद धर्म संसद का आयोजन करा सकता है। आपको ये भी बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की मांग के लिए 25 नवंबर को विश्व हिंदू परिषद की ओर से धर्म सभा का आयोजन किया गया था, लेकिन फिर भी कोई कामयाबी नहीं मिली तो फिर संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए विधेयक पेश करने की मांग को लेकर दिल्ली में रामलीला मैदान में एक विशाल धर्म संसद का आयोजन किया था। मगर अब फिर से इस बात की चर्चा हो रही है कि कुंभ मेले के दौरान विश्व हिंदू परिषद प्रयागराज में धर्म संसद का आयोजन करा सकती है। तो वहीं इस मामले पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी महाराज का कहना है कि धर्म संसद बुलाए जाने का अधिकार किसी राजनीतिक दल को या विश्व हिंदू परिषद को भी नहीं है। धर्म संसद बुलाए जाने का अधिकार सिर्फ चार पीठों के शंकराचार्य को है। महंत नरेंद्र गिरी ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी को विकास के मुद्दों पर वोट नहीं मिला है। गोधरा केस के बाद मोदी का हिंदुवादी चेहरा सामने आया। लोगों ने सोचा कि केंद्र में मोदी और सूबे में योगी रहेंगे तो मंदिर बन ही जाएगा, पर इस बार वोट उन्हें राम मंदिर के नाम पर मिलेगा। अगर राम मंदिर नहीं बनेगा तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर विकास के नाम पर मोदी और बीजेपी को वोट मिलते तो फिर यूपी के मुख्यमंत्री की गद्दी पर कोई और बैठा होगा और मंदिर के मुद्दे पर सरकार का रुख सकारात्मक नहीं दिख रहा है, लिहाजा उन्हें 2019 में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार कुंभ मेले के आयोजन से पहले राम मंदिर निर्माण के लिए संसद में कोई पैंतरा चल पाएगी या नहीं, या फिर जनवरी के महीने में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम तरह की देश और दुनिया की खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।